उद्घाटन कर दिया धावड़ा का जी सर। हम लोग हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चला रखा था, रेवाड़ी में हम गांव में जा रहे हैं, शहरों में मेरा डोर टू डोर का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। लोगों के बीच में जाकर हमें जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और आज हम लोगों ने यहां धावड़ा में हमारे ऑफिस को उद्घाटन किया है। और आप लोगों ने भी देखा होगा जिस तरह से लोगों का प्यार यहां मिला, आशीर्वाद यहां मिला, बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, युवा साथियों ने जिस जोश के साथ आज यहाँ पर आए स्वागत किया, ये दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर जब 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे तब इतनी वोटें यहाँ के लोग धावड़ा के आसपास के गाँव के हमें मिलेंगी, जिसके जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ हम लोग इस चुनाव को जीत कर आएंगे। अलग अलग लेकिन पटुक बाद में बावल भी हुआ, कोसी और किस तरह से देख रहे हैं आखिर किन को? देखिए ये तो हर पार्टी के अंदर होता है, आप देखिए जहाँ पर पार्टी मजबूत हो रही होती है वहाँ ज़्यादा दावेदार होते हैं, और PEC का मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद हूँ। लगातार हम लोगों ने भी हमारा पैनल वहाँ पर भेजा है, जिनके हमें कोशिश करेंगे कि भी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मेहनत करी और जिसके लोगों के मन में इसको बनाने की ललक दी है और जो काम करना चाहता है। बावल से जिनके नाम भेजे, कितने नाम भेजे ऐसे कुछ है? देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना पैनल बना के भेजा, जैसे बावल से 52 लोग थे, मेरे ख्याल से कोसली से 42 लोग थे, तो अलग अलग लोगों ने अपना अपना पैनल बनाया है।
अब पता नहीं उन्होंने आखिरी के अंदर स्क्रीनिंग को कितने नाम भेजे, क्योंकि हमारा जो काम था वो स्क्रीनिंग के चेयरमैन को अपना नाम भेजना था जय माकन, वो हम लोगों ने भेज दिया है। अब स्क्रीनिंग के अंदर चार नाम दें, तीन नाम दें, इसके ऊपर तो वही बता पाएंगे बेहतर। विधायक जी, बीजेपी वाले मतदान की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव से भागने का काम बीजेपी कर रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, आप देखिए आए दिन नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टियों को छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे इस बात का उनको भी आभास हो गया है कि उनका सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और इसीलिए शायद वो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ समय और मिल जाए। पर मुझे और जनता जानती है, जागरूक है, उनको समझ है इस बात की, बीजेपी की इन बातों में अब जनता नहीं आएगी, और 4 तारीख को भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। धावड़ा की जो समस्या, ये धावड़ा की आपको पता है सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ रही है, ये गंदे पानी जो भिवाड़ी से आ रहा है उसकी रही, उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई सदन में भी लड़ी और सदन के बाहर भी लड़ी। मेरी ये कोशिश है कि हम इसका समाधान करवाएं, इसके लिए हम लोग उस पानी के अंदर भी उतरे, जब उस वक्त के SDM थे वो भी हमारे साथ उस पानी के अंदर उतरे, उनको हमने दिखाई सारा मौका दिखाया, और उसके कारण ये रहा कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी वहाँ आकर इस समस्या को देखना पड़ा। पर मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी उस समस्या को दूर ना कर पाना, ये इनकी विफलताएँ दिखाती है। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस धारड़ा का जो गंदा पानी है इसका समाधान तो कराएं, इसको ट्रीट करके 8 नंबर में जोड़ा जाए साफ पानी, और उसके साथ साथ जो धारड़ा का बस स्टैंड इन्होंने भी बनाया इतने साल में, उसको दोबारा बनाएं ताकि यहाँ के लोगों को